सांगचिन ने देखा कि ज़ुयु की बटरफ्लाइज अब भी उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो अपनी पावर से उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है कि तुम लोग अब भी मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, दूर जाओ यहाँ से। उसमें कुछ बटरफ्लाइज थी और कुछ थी गोस्ट बटरफ्लाइज। सांगचिन कंफ्यूज था कि उसे तो ज़ुयु ने ऑर्डर भी नहीं दिया होगा, तो फिर ये मेरा पीछा क्यों कर रही है, और वो दूर भगाने के बाद कितनी जल्दी वापस भी आ जाती है, कितनी अजीब बात है ये। सारी बटरफ्लाइज को दूर भगाने के बाद उसने अपना छोटा रूप ले लिया और वो सीक्रेटली उड़कर नीचे चला गया। जो बड़ा टैंक है वहाँ पे येली और बाकी सब जो बातें कर रहे हैं सांगचिन को वो सुननी है। अंदर सब लोग ज़ुयुजेन से काफी सारे सवाल पूछ रहे थे कि वो नया हेवन बन गया है और ज़ुयु को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, आखिर इसका मतलब क्या है। तो फिर ज़ुयुजेन उसे सारी बात बताता है कि वो हेवन कैसे बन गया। जो पुराना हेवन था उसके मर जाने के बाद न्यूआ ने ज़ुयुजेन से कहा था कि अब हमें एक नए हेवन की जरूरत होगी। ज़ुयुजेन कंफ्यूज था कि आखिर हेवन की जरूरत क्यों होगी, क्या हेवन के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। न्यूआ ने बताया कि जब वक्त की शुरुआत हुई थी तब एक क्याओटिक एरा आया था जिसका नाम था डार्क एज, मतलब कि क्रिएशन गॉड ने जब दुनिया को बना दिया उसके बाद फिर वो गहरी निद्रा में सो गए थे। जब पूरी दुनिया बिखरने लगी थी तब न्यूआ ने क्रिएशन गॉड से मदद मांगी थी। उसकी गाइडेंस के अंडर न्यूआ ने 5 कलर के स्टोन बनाए थे और उसकी मदद से पूरी दुनिया को फिर से स्टेबल किया था। फिर इंसानों को भी गॉड जैसी पावर दे दी थी ताकि वो लोग पूरी दुनिया को बचा सके। वो जो थे वो सारे प्राचीन देवता थे, लेकिन अब वो सारे देवता नहीं रहे और जो हेवन था वो भी अब मर चुका है। इस दुनिया का वक्त भी अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि हम आराम से रह सकते हैं। न्यूआ बता दिए कि अब भी एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर आना बाकी है। ज़ुयुजेन पूछता है क्या आप ज़ुयु के बारे में बात कर रहे हो। न्यूआ कहती है हाँ, उसके पास ऐसी पावर है जिससे वो डार्क एज को वापस ला सकता है, क्योंकि 3000 दुनिया के जो बुरे कर्म थे उसे क्रिएशन गॉड ने अपने अंदर निगल लिया था, तो इस तरह से उसके अंदर का शैतान और ज्यादा शैतानी होगा। अगर ज़ुयु डार्क एज को वापस लाया तो फिर उसके अंदर की सारी इविल पावर्स भी फिर से वापस आ जाएंगी, उसके बाद फिर पूरी दुनिया को तबाही का सामना करना पड़ेगा। मैंने तो अपनी सारी पावर्स इस्तेमाल कर ली, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाई, सिर्फ उसे सील कर पाई। न्यूआ को हेवन पे थोड़ी उम्मीद थी कि उससे मदद मिल जाएंगी, लेकिन वो भी विलन निकला। ज़ुयुजेन सारी बात समझ रहा था कि क्रिएशन गॉड तो अब सो गए हैं, तो फिर वो अब नहीं जागने वाले, और न्यूआ की सारी डिवाइन पावर्स खत्म हो गई है, बस बची कुछ पावर्स है इससे वो दिख रही है और वो ऐसे गायब भी हो जाएगी, तो किसी को तो नया हेवन बनाना पड़ेगा ताकि वो ज़ुयु को रोक सके। ज़ुयुजेन कहता है कि देवी आपने मुझे ये सारी बात बताई वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे ये सारी बात बताने का कोई फायदा ही नहीं है, मेरा प्रिमोडियल स्पिरिट तो अब गायब होने के कगार पे है और मेरे पास कोई पावर्स भी नहीं है। न्यूआ कहती है डोंट वरी, मैं अपनी आखिरी बची सारी पावर्स इस्तेमाल करके तुम्हारी फिजिकल बॉडी फिर से बना दूंगी, और वो ज़ुयुजेन को नया हेवन बनने के लिए कहती है कि तुम नया हेवन बन जाओ और पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करो। ज़ुयुजेन तो एकदम ही चौंक गया कि मैं हेवन कैसे बन सकता हूँ, आप तो ये जानते भी नहीं हो कि मैं किस तरह का पर्सन हूँ, तो फिर आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे कैसे सौंप सकती हो।